हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये बन गई मेरी सुबह की चाय, और ये फिर मैं उसके बाद नाश्ता बनाने के लिए मैंने आटा बना के रखा है, और आज बना रही मैं आलू के पराठे, और तो उसी को मैं आज वीडियो बना के डाल रही हूँ। ये मैंने जैसे रोटी बनाने के लिए बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए हम थोड़ा छोटा लेते हैं, तो थोड़ा पराठे बनाने के लिए बड़ा सा लोई लेना पड़ता है, ताकि बड़ी रोटी बनेगी तो उसके अंदर भरने के लिए सही रहता है। तो मैंने इसके अंदर देखो सब चम्मच से भर रही हूँ मैं इसको। बहुत आसान है और खाने में स्वाद होते हैं इसके अंदर सब भर के। और वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई न्यू है तो मुझे फ्रेंड बनाने के लिए वीडियो देखें और भी मुझे फ्रेंड बना लें, तो मैं भी आपको फ्रेंड बनाऊंगी, मैं भी आपकी वीडियो में आऊंगी। अब ये देखो जैसे रोटी बेलते हैं वैसे करके इसको बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, बिल्कुल आराम आराम से बेलना है। बहुत अच्छे से और आसान बन जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पकाने में। और कैसे हैं आप लोग? ये मैंने बना दिया है, मैं दूसरा बना रही हूँ। और इसी तरीके से मैंने दो चार बना के रख लिए थे। और नमक उमक मिर्ची जो भी होता है आप अपने स्वाद के हिसाब से, नमक मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, में इसमें सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, चाय के संग भी खा लो, दही या सॉस चटनी किसी के भी साथ खा सकते हो। सुबह का नाश्ता अच्छा लगता है और टाइम लगता है, लेकिन रोज़ रोज़ आजकल घर में लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घर में रहते हैं, तो अब समझ में नहीं आता क्या बनाएं, तो जो भी घर में है तो उसी को बना के कैसे भी बना लो, स्वाद लगता है। एक ही नाश्ता करने में भी बच्चे परेशान हो जाते हैं रोज़ रोज़। मैं दूसरा बना रही हूँ। इसमें हमें घी, मैंने घर में ही घी बनाया था क्योंकि मैं घी खरीदती नहीं हूँ, जो दूध रहती हूँ उसी से मट्ठा और मलाई से घी बना के रख लेती, तो इसमें खुशबू अच्छी आती है। तो जब पराठे बनाने होते तो बच्चे रिफाइंड के बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो उनको बस घर के जो देसी घी का पराठे होता है उसी वही उनको पसंद आता है, अगर रिफाइंड में बनाऊँगी तो उनको अच्छे भी नहीं लगते हैं फिर, तो जैसे बच्चों को पसंद आता वही बनाना पड़ता है। और वीडियो में कोई कमी हो तो मुझे कमेंट द्वारा बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें जो नए हैं तो। और